आज मैं आपको सिखाऊंगा टीडीएम के टिप्स। तो ये है टिप नंबर 1, ऐसे जंप करके इसके ऊपर चढ़ जाना है और फिर आगे देखिए, आगे प्रोन हो जाना है। यहाँ से आप वो सीट के वहाँ पर कैंपिंग करेंगे, वहाँ पर आप मार सकते हैं, ऐसे भी आप मार सकते हैं। तो अब टिप नंबर 2, यहाँ पर आपको चढ़ जाना है और फिर यहाँ पर चढ़ना है और यहाँ से जंप लगा के इस सामने की दीवार पर चढ़ जाना है। देखिए ऐसे, फिर आप यहां से कुछ भी करोगे गिरेगे नहीं। कि आप प्रोन हो जाओगे फिर भी गिरोगे नहीं, क्राउच होगे तो भी गिरोगे नहीं, आप कुछ भी कर लो गिरोगे यहाँ से नहीं। देखिए यहाँ पर थोड़ा आगे जाके यहाँ पर पिक करके भी आप मार सकते हो या फिर ऐसे भी मार सकते हो, ठीक है। टिप नंबर 3, आपको यहाँ पर ऊपर चढ़ जाना है, यहाँ पर और ऊपर चढ़ना है, फिर आप क्राउच या फिर स्टैंड अप होकर भी सामने की ओर मार सकते हैं। अगर आप क्राउच होते हैं तो आपको थोड़ा सा कम व्यू मिलेगा, पर आप स्टैंड होकर मारते हैं तो आपको ज़्यादा व्यू मिल जाएगा, जैसे मुझे मिला। यहाँ से आप पिक करके भी मार सकते हैं। पर आप बैठ सकते हैं और कोई यहाँ पे आए तो आप उसे पिक देकर मार सकते हैं। टिप नंबर 4, अगर आप किसी को क्लोज रेंज में मारते हैं तो फिर आपको स्कोप नहीं खोलना है, आपको हिलते रहना है। टिप नंबर 5, अगर आप इस शेड में कैंपिंग करना चाहते हैं तो इसके भी टिप्स है। तो कुछ लोग यहाँ पर बैठ के कैंपिंग करते हैं, यहाँ पर नहीं करनी है, कुछ लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ के भी प्रोन होकर कैंपिंग करते हैं तो यहाँ पर भी कैंपिंग नहीं करनी है। मैं आपको कैंपिंग कैसे करते हैं ये बता दूँ, आपको बस यहाँ पर जाना है और यहाँ पर टच होकर खड़े रहना है, फिर आप पिक देकर सबको मार सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेरी आईडी पबजी की आईडी, मेरी और मेरे भाई की पबजी की आईडी डाल दी है। अगर आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमें फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट भेज दीजिए, 2 दिन में आपका फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दूँगा। लाइक करो, शेयर करो।